बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन कराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम गज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन कराम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं कि सैलाबज़दा इलाकों में हर जगह पाकिस्तानी फ़ौज को आवाम की मदद करते हुए और ज़िंदगियां बचाते देखा। मैंने ऐसी तबाही अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। आने वाले हफ्तों में भरपूर मदद ना पहुंची तो बचने वाले भी नहीं बचेंगे। तफसीलात के मुताबिक आलमी शहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा अंजलिना जूली ने बुध के रोज नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने सैलाब मुतासिन की मदद के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहने के अलावा आर्मी बरादरी के नाम खसूसी पैगाम भी जारी किया। अदाकारा ने सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि वो जहां भी गईं हर जगह पाकिस्तानी फौज को आवाम की मदद करते हुए जिंदगी बचाते देखा। हॉलीवुड अदाकारा ने कहा कि मैंने ऐसी तबाही अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। जो तबाही हुई है दुनिया को इसका अंदाजा ही नहीं है। इन्होंने कहा कि सैलाबजदा इलाकों में जिन लोगों की जान बचाई गई है इनमें से कुछ अफराद से मुलाकात हुई। ये लोग अभी भी महफूज नहीं है, जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। इन इंसानों में से बेशुमार बच्चे भी शामिल हैं। आने वाले हफ्तों में भरपूर मदद ना पहुंची तो बचने वाले भी नहीं बचेंगे। सैलाब मुतासिम को खुराक, शेल्टर, तिबी सहूलियात की हंगामी जरूरत है। अंजलिना जूली से आलमी बरादरी से कहा कि आज पाकिस्तान खुद बड़ी कुदरती आफत का शिकार है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है दुनिया को इस पर जागना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी और मौत का मसला है। मौसमियाती तब्दीली के कम जिम्मेदार ममालिक को दूसरे ममालिक की नस्बत ज्यादा तबाही और अमवात का सामना करना पड़ रहा है। आर्मी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह सामने आ गई। एक्सप्रेस न्यूज़ में सहाफ़ी एहतशाम मुफ्ती की शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बेकाबू होने से तेल की आलमी कीमतों में कमी के असरात ज़ाहिर हो गए हैं। रुपए की मुसलसल बेकदरी की वजह से पाकिस्तानी आवाम के लिए बदस्तूर महंगी कीमतों पर पेट्रोल और डीजल खरीदना मजबूरी बन गई है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा जबकि मिट्टी का तेल और लाइट डीजल सस्ता कर दिया। वज़ारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1.45 रुपये का इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत में कोई रद्दबदल नहीं किया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 8.30 रुपये फी लीटर जबकि लाइट डीजल की कीमत में 4.26 रुपये फी लीटर कमी की गई है। वज़ारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 237.43 रुपये फी लीटर हो गई है जबकि डीजल की कीमत 245.43 रुपये बरकरार रहेगी। मिट्टी तेल की कीमत 202.02 रुपये फी लीटर, लाइट डीजल ऑयल की कीमत 197.28 रुपये फी लीटर होगी। जबकि पीटीआई रहनुमा मुजम्मल असलम का कहना है कि अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती तो पेट्रोल 180 रुपये का होता। इन्होंने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि जब से ये हुकूमत आई है रुपया अपनी कदर 60 रुपये खो चुका है। दूसरी तरफ पेट्रोल 1.45 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। मुजम्मिल असलम ने कहा कि सब बुराई की जड़ रुपए की कीमत है। अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती और 30 रुपये टैक्स भी शामिल कर लेते तो 180 रुपये होता। जबकि दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल की असल कीमत खरीद 172 रुपये है। हुकूमत की जानिब से 1 लीटर पेट्रोल पर मुख्तलिफ टैक्सेस की कीमत में आवाम से 60 रुपये से ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। आर्मी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि कल इमरान खान को अदालत में बात करने की इजाज़त मिली तो माफ़ी मांग सकते हैं। अदालत में माफ़ी मांगने से इमरान खान की कद काट काम नहीं होगा। अदालत बता दें इमरान खान माफ़ी के लिए किस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इन्होंने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा तज़िया यही था कि यह मुमकिन है कि इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला करने का इरादा है, इसलिए रेड जोन सील किया गया है। क्योंकि किसान कोई दहशतगर्द तो है नहीं कि इनकी वजह से रेड जोन को सील किया गया है, वो पहले ही हालात के मारे हुए हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इतना आज़ाद है कि वेबसाइट पर अपने फैसले चढ़ाकर फिर इसमें चीज़ें तब्दील करते हैं। मुझे ये बताया कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज के लिए सिर्फ रेड जोन है, इस्लामाबाद के अलावा भी जगह हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान कल इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस में जा रहे हैं। माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी एक मसला है। अदालत बता दे इनको माफ़ी के लिए किस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इमरान खान पाकिस्तान का लीडर आज है और अदालत में पेश होकर जो भी बोलेगा इससे कद कम नहीं होगा। वाहिद लीडर है जिसने आज़ाद अदलिया की तारीख में जेल काटी है। इन्होंने कहा कि पिछली समात में बेंच की जानिब से इमरान खान को बात करने की इजाज़त ना देना हैरान कन था। अगर कल इमरान खान को बात करने की इजाज़त दी गई तो माफ़ी मांग सकते हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी पोजीशन कभी तब्दील नहीं की। इमरान खान ने चकवाल जलसे में कोई नई बात नहीं की जो पहले नहीं करते। ये एक मफरूजा है कि इमरान खान की किसी से मुलाकात हुई है। इमरान खान चकवाल जलसे जैसे पहले भी बातें करते रहे हैं। इन्होंने कहा कि वक्त ने साबित कर दिया कि मीशत पर हमारी ब्रीफिंग बिल्कुल दुरुस्त थी। महरीन कहते हैं मसाइल से निकलने का वैध रास्ता सफाफ इलेक्शन है। वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर हाशिम डोगर ने कहा कि वफाकी हुकूमत में हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाए। लॉन्ग मार्च तो क्या हुकूमत 25 मई से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती।
इमरान खान ने कई बार कह चुके हैं कि मुल्क को हमसे ज्यादा दारों की जरूरत है। इन्होंने समा न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की सियासी क्यादत ने नाम ले लेकर अदारों को बदनाम करने की कोशिश की। इमरान खान एक हद में रहकर बात करते हैं, वो हमें भी कहते हैं कि अदारों से मुतालिक मोहतात रहकर गुफ्तगू करनी चाहिए। अदारे जितने मजबूत होंगे इतने ही मुल्क मजबूत होगा। इमरान खान ने कई बार कहा कि मुल्क को इमरान खान या पीटीआई से ज्यादा अदारों की जरूरत है। आपने देखा जिस तरह हमारे ऊपर आलमी मामला चलते रहते हैं, ये अदारों के सारे मामले को सियासी बना रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे इंतशार फैलने का खदशा हो। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मईशत को नुकसान पहुँचा, तमाम जमातों को मिलकर अदारों को मजबूत करना चाहिए। अदारों से मुतालिक हर किसी को मुताहत अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। आज से 6 माह पहले महंगाई निसफ थी, GDP बेहतर थी, मौजूदा मसाइल चीजों को तब्दील करने से है। वज़ीर दाखला पंजाब कर्नल रिटायर हाशिम डोगर ने कहा कि मुझे राणा सनाउल्ला की बात सुनने को दिल नहीं करता, ये धमकी दे रहा है कि जिस तरह 25 मई को डंडे मारे थे। वफाकी हुकूमत 25 मई से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इनमें हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाएं। इमरान खान ने किसी MPA को परवेज लाई से ना मिलने का हुक्म नहीं दिया। इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि परवेज लाई के साथ चलेंगे। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।